अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल कहानी में आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त रायरंगेल में मौजूद हूँ और ये सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है मुजफ्फराबाद से। एक फैमिली इवेंट था मुजफ्फराबाद में, तो हमने सोचा कि क्यों ना नीलम की तरफ भी ट्रैवल किया जाए। वैसे भी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीक में जो है वो बहुत ज़्यादा स्नो फॉल हुआ है और स्नो फॉल का इंतज़ार जो है वो बहुत अरसे से था हमें। तो मैंने लास्ट तकरीबन कोई 2 वीक्स पहले कलाम में स्वात वाली साइड पे और बटगोई टॉप तक जो है वो ट्रैवल किया बर्फ को ढूंढने के लिए। बर्फ हमें मिली सिर्फ बटगोई टॉप पे, मगर उस तरह से मजा नहीं आया। तो स्नोफॉल हुई थी तो हमने कहा कहाँ जाया जाए, तो कश्मीर का रुख किया और कश्मीर में हम स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। तो मुजफ्फराबाद तक मैं अपनी गाड़ी पे आया और फिर उसके बाद हम आगे जो है वो लोकल हमने ट्रैवल किया। इससे पहले आप मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज्यादा बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इस मरतबा हम जो है वो लोकल हमने सफ़र किया मुजफ्फराबाद से ऑनवर्ड, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाइक पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें सिचुएशन भी नहीं पता थी रोड्स की, ये पता था क्लियर है साफ़ है, लेकिन बाइक पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा। तो हम वहाँ से जो है वो लोकल आए, और लोकल कैसे आए क्योंकि भाई साहब ने टिकट्स वगैरह बुक की थी। तो आप ज़रा बताइएगा कि लोकल अगर कोई बंदा आना चाहे खासतौर पर फरवरी के अंदर, और अभी स्नोफॉल है और हर तरफ बर्फ बहुत अच्छी है, हम आपको बहुत सारे शॉट्स दिखाएंगे जिसमें बहुत सारा स्नो है, तो अगर किसी को लोकल आना हो और वो मुजफ्फराबाद से चल रहा है और उसको केल आना है, टाइम कितना लगेगा और टिकट कहाँ से बुक की जा सकती है और कितने में की जा सकती है? तो सबसे पहले इसमें यह है कि जो आपको कोस्टर है वो तो पिंडी से भी मिलती है, पिंडी से डायरेक्ट केल के लिए बस जो है वो चलती है। पिंडी में कहाँ से सर? पीर वदाई से आपको मिल जाएगी। पीर वदाई से गाड़ी है वो रात के टाइम निकलती है और वो डायरेक्ट केल में आती है, लेकिन डायरेक्ट इन अ सेंस के आती यहीं तक है, लेकिन वो लोकल सवारियाँ और ये आप लोकल इधर ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि वो लोकल सवारियों को लेते हैं, बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो मुजफ्फराबाद है वहाँ से आपको कोस्टर भी मिल जाएगी, हाईस्ट भी चलते हैं, जो हाईस्ट है वो आपको शारदा तक लेके आएगा और वो आएगा डायरेक्ट, अगर वो पूरा मतलब भरा होगा अपने टाइमिंग के लिहाज से नहीं चल रहा, और अगर वो चल रहा है सवारियों के लिहाज से तो वो एक ही दफ़ा भरेगा और वो आएगा, बीच की सवारियाँ उतारेगा चढ़ाएगा, लेकिन वो आपको इतना तंग नहीं करेगा। अगर आप तो कोस्टर पर आते हैं तो उसमें यह है कि वो क्योंकि ज़्यादा उसमें सीट्स होती हैं, ज़्यादा बंदे कैरी कर सकती है, तो वो ज़्यादा स्टॉप्स लेता है जो कोस्टर वाला, और वो स्लो भी होता है ज़्यादा। लेकिन उसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको गाड़ी चेंज नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ा उसका एक बेनिफिट है कि आप अगर एक गाड़ी में बैठे तो आप डायरेक्टली गेल में आएंगे, अगर आपने हायर किया है तो आपको 2 गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा सबर आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो गाड़ी है वो एक तो जिस तरह बताया कि स्लो चलती है, और स्लो चलने की वजह से उसका वो ये होता है कि गाड़ी तो स्लो चल रही होती है मगर वो टाइम इतना लेती है, और आपका स्टेमिना उस पे बैठने का वो जो है वो स्टॉप लेने की वजह से आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। 10-15 मिनट का स्टॉप आठ मुकाम पे लेगी, फिर आपको आठ मुकाम पे रुकती है, लवाद पे रुकती है, फिर उसके बाद आपको शारदा में एक ब्रेक लेगा वो खाने के लिए, उसके बाद आपने वॉशरूम यूज करना है, 20 मिनट का हर जगह पे ऊपर वो पॉज लेता है, आप इजीली थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और उसमें ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आसाब के ऊपर काबू पाना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर्स इधर के लोकल होते हैं, अपनी मर्जी से कहीं खड़े हो गए ड्राइवर के साथ गप लगाने लग गए तो वो थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको मिल गई विंडो सीट, हाँ वो आपने अच्छा, ये एक चीज है कि आपने एक आधा दिन पहले अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है मुजफ्फराबाद में, अगर आप यहाँ से सीट करवा लें तो वो बहुत अच्छी चीज है। मैं कोशिश करूंगा कि अड्डे का नंबर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँ, हम आपके साथ कैसे शेयर कर लेंगे, जो पिक्चर है वो भी शेयर कर देंगे आपके साथ ताकि आप कॉल कर लें। इसमें जो अच्छी चीज वो ये है कि आपको अपनी मर्जी की सीट मिल जाती है, आप अपनी कोस्टर देखें, अपने सामने देखें, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपके आपके जितने बंदे आपके साथ जा रहे हैं उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली आप एक मैनेजमेंट जिस तरह भी एक बंदे ने करनी है वो कर ले, और सीट्स अपनी मर्जी के लिए क्योंकि 9-10 घंटे का सफर है। 2 दिन पहले हमने टिकट बुक की सिर्फ आप लोगों के लिए कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कंटेंट बनाना चाह रहे थे कि हम आपको एक जर्नी जिसके लिए हम ये ब्लॉग शूट करें कि एक जर्नी जो मुजफ्फराबाद से लेके केल तक है उसके बीच में जो सीनरी है वो कितनी खूबसूरत है, हम उसको कैप्चर करना चाह रहे थे कि अगर आप वो ट्रैवल करें और आप विंडो सीट में मौजूद हैं। अब हम तो चूंकि वो ब्लॉग भी एक प्रोफेशनल बनाते हैं तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है मैक्सिमम आपके लिए अच्छे से अच्छे शॉट्स हम ऐड करें, मगर सीनरी की जहां तक बात है जो मुजफ्फराबाद से लेके नीलम तक आपको मिली है वो बहुत हैरान कुन थी।
बिल्कुल। और उसके लिए एक एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर आ रहे हैं नीलम, तो आपने राइट साइड वाली ड्राइवर साइड जो है वो आपने लेनी है। यस यस, बड़े पॉइंट की बात है, इसको पूरा रास्ता जो है राइट साइड व्लॉग बनाना है, वो बेचारा जलील हो जाएगा और उससे बनेगा नहीं। और अगर तो कोई बहुत ही शौकीन है तो वो फ्रंट ले, जो फर्स्ट सीट होती है ना इसकी, सर वो ले। लेकिन उसमें इशू ये है कि लोकल है, ये आपको देते नहीं है। अभी भी बड़ी लड़ाई की है हमने, बहुत लड़ाई करके मैं थर्ड और फोर्थ सीट लिया। वो कहते हैं ये औरतों का सीट है, लेडीज सीट है सर, आप पीछे जाए। मैंने कहा ये दो दिन पहले बुक इसलिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा आपको। अच्छी भी लॉस सर ये है कि हमने बहुत अच्छा एक ट्रिप, बहुत अच्छा सिनेमैटिक किस्म के व्यूज जो है वो हमने इसको कैप्चर किए। अच्छा, शुरू में एक मैं इंटरेस्टिंग चीज जो ऐड करना चाहूंगा कि जब हमने सफर शुरू किया मुजफ्फराबाद का, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था, मैं ऐसा फील कर रहा था उसको कि जैसे मैं बिल्कुल जून जुलाई में ट्रेवल कर रहा हूं। मतलब एक तो दरिया स्वात में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि पानी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा कम था, और पानी कम होने की वजह से उसकी खूबसूरती, और आपको पता है जैसे सैलाब आया, सैलाब के बाद भी वहां पर सिचुएशन काफी खराब। लेकिन यहां पर नीलम दरिया में पानी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा था और ग्रीन कलर में था, तो अपने अच्छे पीक कलर में था, और वो बहुत एक उसको खूबसूरती उसकी जो है नीलम की है उसको एनहेंस कर रहा था। हम जब वहां से चले, जैसे मैंने आपको बताया जून जुलाई का सीन था, लश ग्रीन, कितनी जबरदस्त वो ग्रीनरी, और साइडों में हम देख रहे थे उसको कि वो कितना जबरदस्त ग्रीन पैचेस थे, स्टार्ट फील्ड्स भी ग्रीन कहीं किसी जगह पे। हालांकि ये फरवरी का महीना है, स्नोफॉल है हर जगह पे, लेकिन स्टार्ट में हमें बड़े खूबसूरत लश ग्रीन एरियाज मिले। गांव तक आपको बहुत ही अच्छा लश ग्रीन मिलेगा, पैच मिलेगा। मैं हम भी एक्सपेक्ट करते थे कि उजाड़ा होगा, जैसे ना बिल्कुल येलो ग्रास होता है, ट्रीज होते हैं, उस तरह का आपको मिलेगा, लेकिन वैसी चीज नहीं है। नहीं, आपको स्टार्ट में ग्रीन पैच भी मिलेंगे, और आगे जाकर और आप आगे ये भी देखेंगे कि जहाँ पे स्नोई एरिया है वहां पे भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है अपने फील्ड्स को। पता नहीं कैसे, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बिल्कुल उनके आसपास सारी की सारी मैं देख रहा था स्नो से कवर्ड थे, और बीच में जो उनका खेत था वो बिल्कुल लश ग्रीन था। ऐसा ही, ऐसा ये ही। एक बड़ी जबरदस्त किस्म का आपको कंट्रास्ट मिलता है लश ग्रीन का भी, और साथ में स्नोई एरिया के साथ में आपको बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का पानी भी मिलेगा, और उसी के साथ जो पत्थर है वो सारे के सारे स्नो से कवर्ड मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हाँ, आप ये ज़हन में रखें कि 9 से 10 घंटे अगर आप मुजफ्फराबाद से चल रहे हैं तो केल तक आपको 9 से 10 घंटे का टाइम एक्सपीरियंस करें। हाँ, तो 7 बजे हम, 7 बजे हम निकले वाली गाड़ी, सुबह 7 बजे 3:45 एग्जैक्ट डॉट हम यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये देखें कि अगर आपने हाइक करके अड़ंगकेल आना है तो 4:15 बजे डोली बंद हो जाती है। अपने टाइम को इस तरह रखें कि आप 7 बजे वहां से निकले अगर आपको अड़ंगकेल आना है। अगर आपको बीच में कहीं रुकना है, नीचे केल में रुकना है, या आपको शारदा में रुकना है, तो फिर आप 7 की जगह 9 बजे भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अड़ंगकेल आना है तो आपको एग्जैक्ट सुबह गाड़ियों की टाइमिंग मैं बता दूं थोड़ी सी, 5:30 बजे 5:30 बजे से हर आधे घंटे बाद वो कहते हैं, सुबह 5:30 घंटे बाद गाड़ी निकलती है, 5:15 से स्टार्ट करती है। 7 वाली रिकमेंडेड है कि ना लें, उससे एक गाड़ी पहले लेने, क्योंकि हम भी बिल्कुल जैसे कहते हैं थ्रेशोल्ड उनका बस वो निकलने लगे थे। तो मैं जरा अपना रेफरेंस दे के उनको कहा, तो उन्होंने जो है ना डोली एक निकाल दी, नहीं तो वो 4 बजे क्लोज कर रहे। 7 बजे के करीब निकलने का हमें दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि हम जब निकले तो वो सुबह सुबह का जो एक सनराइज का एलिमेंट है ना, मैं उसको लाजमी ऐड करना चाहूंगा कि वो सनराइज का एलिमेंट जब आपको अपनी विंडो से नजर आता है ना, वो पहाड़ों के पीछे से जब सूरज का निकलना, तो वो उस खूबसूरत आप बिल्कुल उस सीनरी में और उस व्यूज के अंदर जो है वो खो जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, लोग अपने काम शुरू कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं और शॉप्स ओपन हो रही हैं, लोग अपने कामों पर हैं, बच्चे स्कूल की तरफ जो जा रहे हैं, वो एक बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा मंजर था कि बच्चे एक लाइन में स्कूल की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर था। फिर जैसे जैसे आप आगे निकलते हैं तो आपको ग्रीन एरिया भी निकल रहा है। रोड की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि रोड बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन शारदा तक भी रोड कंस्ट्रक्ट है, शारदा से आगे भी खराब है। पीछे शारदा से ले, मैं आपको बताऊं तो जो द्वारियां हैं, द्वारियां से लेके शारदा तक पैचेस में रोड आपको खराब मिलेगा, और शारदा से लेके आपको केल तक पैचेस में आपको रोड ठीक मिलेगा। यस, तो अगर आप अपनी गाड़ी में अपने व्हीकल में आ रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि मैक्सिमम शारदा तक आए, उससे आगे अपनी गाड़ी ना लेके आए। आगे आप जो लोकल जीप चलती हैं उसमें आए तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कोई किसी किस्म का वो डर खतरा भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी सामने से आ गई है किस तरीके से करें, क्योंकि मैक्सिमम एक
गाड़ी गुजरने का रास्ता है और बीच में जो साइड्स हैं वो बिल्कुल स्नो से कवर्ड है, एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अगर बड़ी गाड़ी होगी तो वो फिर भी बर्फ के अंदर से रास्ता निकाल के वो साइड ले लेता है और आपको जाने देता है। लेकिन अगर आपकी छोटी आगे पीछे तो फिर आप बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा हो सकता है आपके लिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि देखें, आप जब केल की तरफ आए, अड़ंगकेल की तरफ, हम तो ये सीधा हम डायरेक्ट आए अड़ंगकेल की तरफ, तो जैसे ही आठ मुकाम पर हम पहुंचे हैं ना, तो आठ मुकाम से ना एक अलग ही किस्म की खूबसूरती नजर आनी शुरू है, क्योंकि वहां से आपको स्टार्ट होती है मिलनी। और उसमें भी ना बड़ी प्यारी सी लेयर्स बनी हुई है स्नो की, और बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जहां पर बिल्कुल स्नो है और दरमियान में ग्रीन कलर का पानी आपको जब वो चलता हुआ नजर आता है तो वो एक अलग ही वाइब देता है। और जैसे ही हम आठ मुकाम से आगे निकले हैं तो हमारा बहुत सारी जगहों पर ऐसा दिल किया कि यार यही उतर जाए, इसी को एंजॉय करें, क्योंकि वो स्नो और फिर बीच में ग्रीन कलर का पानी, वो दिल कर रहा था कि यार इसको यहाँ बैठ के एंजॉय किया जाए। स्टार्ट में आपको सबसे पहले जब आप उधर से निकलेंगे तो आपको हिल्स के ऊपर, टॉप्स के ऊपर जो है वो मिलेंगे, रिजेस के ऊपर बर्फ मिलेगी, फिर आस्ता आस्ता वो बर्फ नीचे आती हुई आपके ऑपोजिट साइड के ऊपर आएगी जहां पे धूप नहीं पड़ती सारा दिन, वहां पे होगी आपके दरिया के ऑपोजिट साइड पे, फिर आस्ता आस्ता आपको फिर इस तरफ भी आने मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बेड है ना बिल्कुल आपके वाटर लेवल है दरिया का, उसके आसपास आपको स्नो मिलेगी बहुत ही खूबसूरत, दरमियान से आपका ग्रीन पानी जा रहा है। उसके बाद जब थोड़ा सा आप आगे आते जाएंगे तो आपको जो ट्रीज है वो भी कवर्ड मिलेंगे स्नो से, और इस तरह एक ट्रांजिशन है जो बिल्कुल मुजफ्फराबाद से आपको टूवर्ड्स केल आपको मिलती है। महाराज जी फिर हम पहुंच गए डायरेक्ट केल में। केल में जब हम पहुंचे हैं तो वहां से हमें लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने, कि यार आप ना दो काम लाजमी करें, एक आप अपनी सॉक्स इन जूतों के ऊपर जो है ना वो चढ़ा लें, एक तो आपके जूते सेफ रहेंगे मतलब साफ रहेंगे, और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये था कि वो उसकी ना रोड की जो ग्रिप है ना, ग्रिप वो ग्रिप अच्छी करता है। तो अगर आप केल से अड़ंगकेल आए तो आप एक तो सॉक्स लाजमी अपने हाइकिंग स्टिक को लाजमी अपने साथ रखें, ये ज्यादा कॉस्ट नहीं करती, आपको स्टिक 50 रुपीस की मिल जाएगी, 50 किराया लेगा उसका और 100 रुपीस की सॉक्स लेगा, आप सॉक्स एक पेयर भी कैरी करके लेके आ सकते हैं। उसको सिर्फ आपने क्या करना है, उस सॉक्स को पकड़ के शूज खोलना है, जब आप उसको खोलेंगे तो वो आप बड़ा इजीली उसको उसके ऊपर जो है वो चला सकते हैं, बर्फ अंदर भी नहीं आएगी, आप एंजॉय भी कर सकते हैं उसको। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसकी वही है कि ग्रिप आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपहिल कर रहे हैं या डाउनहिल कर रहे हैं और स्नो इतनी ज्यादा है तो आप स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप उधर से वो दो चीजें पकड़े, टाइमली जो है डोली पे बैठे, इधर आए। अगर आप थोड़ा सा ट्रेवल थोड़ा सा कट करूं, डोली का भी एक अपना मजा है कि जैसे डोली के ऊपर जब आप बैठते हैं और वो एक हाइट के ऊपर और नीचे बिल्कुल ग्रीन पानी की पट्टी, हाँ वो भी पूरा कवर्ड स्नो, पीछे तो आपको साइडों पे इतनी स्नो नहीं मिलती, नहीं यहाँ पे आपको साइडें भी मिलती हैं आपको दरमियान में, और वो डोली का एक मंजर बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोली में टुवर्ड्स अड़ंगकेल आ रहे हो तो आप जब थोड़ा सा हाफ से आगे जाएंगे ना तो आपको बैक साइड भी क्लियर नजर आएगी, बिल्कुल ऐसे आपको विजिबल नहीं होगी, पूरे के पूरे पीछे जो हिल टॉप्स है ना कवर्ड स्नो से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, इधर से भी और इधर से भी आपको देखने को मिलता है। हम वापस जब आगे आए तो हमने फिर हाइकिंग स्टार्ट की, हाइकिंग में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, 40-45 मिनट में 40-45 मिनट की हाइक है। उसमें मेन चीज ये है कि अगर आप हाइक करते रहे हैं या आप कर सकते हैं, थोड़ी सी पोर्टर लेने की जरूरत नहीं है, पोर्टर आपको 600-500 इधर से मिल जाएगा जो आपको लेके आ जाएगा इधर, सामान कैरी कर लेगा, आपका रास्ता बना हुआ है बीच में से, आपको मैं बहुत सारे शॉर्ट्स इसमें ऐड करूंगा, उसमें रास्ता बना हुआ है, आप बिल्कुल उस ट्रैक को फॉलो करते हुए जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेविगेशन में भी इशू नहीं होगा, ये तो छोटी सी हाइक है। बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं ऊपर नीचे, 20-25 मिनट आपको लगेंगे गर्मियों में, 40-45 मिनट हमें लगे हैं मैक्सिमम 40 मिनट, हमें एक घंटा नीचे केल से हम उतरे हैं 345 पे, 445 पे हम जियो मौजूद थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस कमरे में हमने लिया है, मतलब बहुत ही लश किस्म का, मैं कुछ शॉट्स ऐड कर दूंगा, हमारी खिड़की से बाहर आप देख रहे होंगे पीछे कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इफ यू आर लकी एनफ तो आपको ये मिल जाएगा, वैसे इसकी बुकिंग जो है वो काफी बहुत मुश्किल है, और सबसे टॉप लोकेशन अड़ंगकेल की, यहाँ से आपको पूरे अड़ंगकेल का व्यू जो है राइट लेफ्ट के ऊपर हर तरफ का बहुत ईजी और बहुत क्लियर नजर आता है। तो ये हमारा आज तक का ब्लॉग था, ये हमने आपसे कवर किया कि हम मुजफ्फराबाद से अड़ंगकेल तक आए, कैसे आए, क्या लवाजमात थे, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझी, ताकि जब आप आए तो उन चीजों को मद्देनजर रखें। अब आज से हम शुरू करेंगे अड़ंगकेल का, कि अड़ंगकेल को हम किस तरीके से एंजॉय करते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे साथ रहें। नेक्स्ट ब्लॉग मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, लाजमी देखिएगा, और अड़ंगकेल कितना खूबसूरत है स्नो में फरवरी में, ये आपको दिखाएंगे। बहुत मेहनत लगती है, बहुत
एफर्ट लगती है हमें इन वीडियोस को बनाने में। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट इसी ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।